नमस्कार, आधार टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं श्याम यादव। आज हम परम श्रद्धेय श्री रामनाथ शास्त्री जी से आपको रूबरू कराएंगे। स्वामी महानंद सरस्वती जी महाराज जी से आपको रूबरू कराएंगे और ये भी साथ ही साथ हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे परम श्रद्धेय स्वामी रामनाथ शास्त्री जी से। स्वामी महानंद शास्त्री जी सरस्वती जी कैसे बने? महाराज जी, हमारे आधार टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराज जी, आप जैसे संतों का आधार टीवी चैनल को हमेशा से आशीर्वाद मिलता रहा है और हमें उम्मीद है आपका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। स्वामी जी, सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले, कोरोना महामारी इस समय देश में चल रही है और देश में ही नहीं पूरे विश्व को इस समय कोरोना महामारी ने खोखला कर दिया है। आज की अपडेट में आपको बताया देता हूं, अभी तक कुल संक्रमित 67,152 संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से, स्वस्थ 20,917 हो चुके हैं, 2,206 लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु हो चुकी है। मैं सभी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी समय चल रही है, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और आधार टीवी के नए नए प्रोग्राम देखते रहें। सभी दर्शकों का आधार टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्वामी जी, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ जानना चाहूंगा परम श्रद्धेय श्री रामनाथ शास्त्री जी के बारे में। स्वामी जी, 1972 का वो दौर था जिस समय आपने कथा कहना शुरू किया, क्या वो समय था? किस उस वक्त किस तरीके के श्रोता मिलते थे? आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों उठा कि मुझे कथा कहनी चाहिए? जी स्वामी जी, बताइए। बचपन में हम पढ़ते थे तो हमें सदगुरु की प्राप्ति हुई थी जी। वो सन्यासी त्यागी एक संत थे जी, उन्होंने ही हमको उपदेश दिया जी। तब से ही हमें प्रभु की आराधना, उपासना, कीर्तन, भजन की लगन लगी जी। धर्म ग्रंथों का उन्हीं की कृपा से अध्ययन करते रहे जी। उसके बाद में भागवत का काम शुरू किया जी। जनता को भागवत का काम, हमारी जीवनचर्या ज्यादा अच्छी लगी जी। अनेकानेक शिष्य बने जी और 1992 तक भागवत कह के समापन करके ये जी संन्यास ग्रहण किया जी। और गंगा घाट कछला बदांग पर आश्रम बना करके जी अब जीवन यापन कर रहे हैं जी। स्वामी जी, मैं वही जानना चाहूंगा कि 1972 में आपने कथा कहना शुरू किया, उस समय आपको किस तरीके के श्रोताओं के अंदर क्या भावना होती थी कथा को लेकर के? कथा किस तरीके से कथा को श्रवण करते थे? क्या दौर था उस समय? लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं होती थी और टेंट साउंड की व्यवस्था भी नहीं होती थी उस समय, किस तरीके से? थोड़ा सा वो जिक्र करके बताइए, पुरानी यादें करके बताइए महाराज जी, क्या दौर था वो, किस तरीके से जी? उस समय बिना पढ़े लिखे लोग थे जी, कथा का विश्वास बहुत अच्छा होता था जी, जातवाद बहुत था जी। इतना जातवाद था कि घर में कोई सुपच निकल जाता था तो पानी छिटकते थे जी। भीड़ बहुत होती थी, लोगों को हमारे वचनों का अटूट विश्वास होता था जी। बिना किसी साजबाज ढोलक बाजे से ही शब्दों में सारे दिन जी, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक जनता को किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होता था, बहुत पसंद करते थे। इस तरह से कार्यक्रम चला जी। स्वामी जी, आपने अभी जिक्र किया कि उस समय कम पढ़े लिखे लोग थे, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए हैं? कुछ बदलाव आया है उस समय से अब तक? बदलाव काफी आ चुका है सर जी, बताएं। अब जितने पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं परंतु भारतीय संस्कृति से थोड़े च्युत हैं, अलग जी। अब इतना विश्वास नहीं होता पढ़े लिखों को जी। पहले भागवत का हम पाठ करते थे, 18,000 श्लोक श्लोक द्वारा होती थी जी, अन्य ग्रंथों के प्रमाण से
पवित्र गीता रामायण से समझाते थे तो लोग बड़े प्रेम से सुना करते थे जी और विश्वास अधिक हो जाता था जी और बड़ा भाव बढ़ता था। जो बात बताते थे वो भक्ति करने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। जी हमने भक्तों को संध्या वंदनाद, प्रभु सत्य है, जी घर में सफाई, बर्तन अच्छे चित्र रखना, फूल पत्ती रखना, जी सादा भोजन करना, जी अपने जीवन को राम में प्रभु के आश्रय, ईमानदारी से जीवन को शास्त्र के प्रमाणों से व्यतीत किया जाए, जी ये संकेत देते आए हैं। जी परंतु हाँ जी, परंतु महाराज जी, पढ़े लिखे जब शिक्षित लोग होते हैं तो अपने धर्म को भली भांति से समझने का प्रयास करते हैं शिक्षित लोग, लेकिन ऐसा क्या रहा शिक्षा में कि अपने धर्म से दूर हटते जा रहे हैं और पाश्चात्य शिक्षा का आधुनिक सभ्यता का अपने जीवन में ढालते जा रहे हैं, क्या रहा है थोड़ा सा बताएं। ये सब जैसा भागवत में रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, व्यास ने लिखा है द्वादश स्कंद में, जी ये समय का ही कुछ प्रभाव है। जी अब अनेक प्रवचन कथाएं और बहुत बहुत ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, जी लेकिन ये स्वभाव कोई प्रारब्ध है कि सबका ऐसा वर्णन भी है कि ऐसा ही होना है जी और ऐसा ही होता है। वैसा ही तुलसी की सब चौपाइयां घटित हो रही हैं। जी इतनी पढ़ाई लिखाई और इतने प्रोग्राम भागवतों पर भी जी असर कम पड़ रहा है, तो ये युग का ही प्रभाव मानो। जी 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 बिल्कुल, जैसे कि आप इस समय कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, इस पर क्या आप बोलना चाहेंगे, मनुष्य के कर्मों का ही कुछ इसमें फल नजर आ रहा है? हाँ देख, आबादी, रहन सहन, जीवन चर्या की कमी, खान पान, जी विलासताएं, ये तो मानो ही मानो नाना प्रकार की विलासताएं, जी आवश्यक आवश्यकताओं की सीमा में नहीं है अब मनुष्य। जी थोड़ा सा धन ज्यादा हो गया है, विलासी ज्यादा बन गए, खान पान का कोई नियम नहीं है, जी रहन सहन भी विलासी प्रकार का है, जी तो इसी कारण ये सारे प्रकोपों का संकेत है शास्त्र से भी। जी स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप के बहुत सारे शिष्य हैं और अधिकांश आप यही प्रेरणा देते हैं कि सुबह 4 बजे जगना चाहिए, ब्रह्मपुत्र में स्नान करना चाहिए और काफी लोगों को सुझाव देते हैं, जिंदगी से जुड़े हुए पहलू भी बताते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए स्वामी जी, क्या क्या कहते हैं आप, क्या क्या लोगों के जीवन में जीने के लिए जरूरी है, अहम बातें? हाँ यही बताते हैं, परमात्मा का स्मरण चिंतन जरूरी है, घर आंगन भोजन बर्तन की शुद्धि जरूरी है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है, जी अपने घर में अच्छे चित्र रखना जरूरी है, गाय की सेवा करना, गीता पढ़ना, जी गंगा जल, गायत्री मंत्र उच्चारण, जप यज्ञ, जी ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है तो ये चीजें जरूरी हैं, ऐसा ही प्रवचन में अब भी संकेत करते रहते हैं जी और पहले भी करते आए हैं जी। स्वामी मनुष्य को सत्संग जी, हाँ जी जी स्वामी जी, आपने 19 सत्संग और मनुष्य शरीर ही बड़े भाग्य से मिलता जी, मैं उस पर आऊंगा स्वामी जी, मैं जानना चाहूंगा आपने 1972 से कथा कहना प्रारंभ किया और 1992 में आपने संन्यास ले लिया, कथा कहना प्रारंभ किया फिर आपने 1992 में इतनी जल्दी संन्यास क्यों लिया, इस पर थोड़ा सा जानना चाहूंगा। हाँ ये भी एक अभ्यास हो जाता है धर्म ग्रंथों का जी, वैराग्य उपरांता में ये चीजें फिर थोड़ा मन में कम रहती हैं जी, तो 20 साल पढ़ने के उपरांत सही मन में वैराग्य हुआ जी, कुछ किसी के यहाँ कथा पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी परिधानता भाई, जो आराधना उपासना भगवान के लिए जो लगन थी वो वहां नहीं बन पाती थी साधना, तो इस प्रकार से फिर मन में ऐसा ही आया कि जीवन अनमोल है जी,
और जितना आसन संयम योग ध्यान धारणा परमात्मा की कर ले तो वो कथा सुनाने से भी अच्छा है। जी ऐसी मन में भावना हुई तब ये संन्यास ग्रहण कर लिया। ये सब देन सतगुरु की थी, उनकी कृपा थी जो हमें प्राप्त हुए थे बचपन में, जी जिनको स्वामी सत्य स्वरूप भंड वाले नाम से जाना गया था। जी बचपन में ही उन्होंने एक दिन भोजन कराया तो एक दिन उन्होंने कहा था एक दिन वो ऐसा आएगा कि तुम्हारा चंद्रमा की तरह प्रकाश होगा। जी तो उनका ही शब्द ये सब अब तक पूरा हुआ है। हाँ, ये कृपा सतगुरु की रही है। जी जी स्वामी जी, आपने संन्यास जीवन में सब जी स्वामी जी, आपने संन्यास लिया। हाँ हाँ, संन्यास की थोड़ी सी आप व्याख्या करके बताइए, संन्यास के बारे में हम जानना चाहते हैं स्वामी। जी जी बहुत अच्छा है। हुँ. मन में कोई वासना न हो, जी सबकी ममता त्याग बटोरी, मम पद मन है बांध एक डोरी, जी ये संन्यास है। जी मन में कोई कामना न उपजे, नाना प्रकार की राग द्वेष क्रूतियां ये सारे जी न हो, सारे संकल्प परमात्मा में ही लय हो जाए, ये संन्यास है। जी उसमें परमात्मा का आनंद ध्यान जनित आनंद की प्राप्ति होती है। जी ऐसा संन्यास का संकेत है। जी स्वामी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक और बात जानना चाहूंगा स्वामी जी, गंगा के किनारे आपने अपना आश्रम बनाया है, कोई खास वजह रही आपकी? जो गंगा के किनारे और भी नदी हैं, और भी जगह हैं, कोई खास वजह बताइए गंगा के किनारे आश्रम बनाने की। जी, गंगा ज्ञान का प्रतीक है। जी गंगा पे सफाई होती है, और नदी है पुराणों में उनका तो पानी बताया है, लेकिन गंगा का जल है। जीवन में मरने के बाद भी गंगा जल मुख में डालते हैं। जी सब धर्म ग्रंथों में गंगा की महिमा बहुत ज्यादा है। जी गंगा जल पवित्र है। उत्तराखंड ऋषिकेश से जो शुद्ध जल आता है उसे अपनी बोतल में रख के लोग रखे रहते हैं घर में। सारे मांगलिक कर्म गंगा जल से होते हैं। अधिकतर ऋषि मुनियों के आश्रम हरिद्वार से कानपुर तक गंगा के किनारे किनारे ज्यादा हैं। तो वो जमीन की शुद्धि होने से वहाँ साधना अच्छी बनती है। जी इसलिए गंगा किनारे का रहन सहन पवित्र है। पवित्र है और चुना आपने स्वामी जी। आपने जब गंगा का जिक्र आया, हमारे गंगा माँ का जिक्र आया, 1972 की जब बात थी उस समय गंगा का नज़ारा कुछ और ही था, बड़ी पवित्र हुआ करती थी हमारी गंगा, लेकिन आज हमारी गंगा कहीं ना कहीं बड़ी अपवित्र हो चुकी है, आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, अब वो अपनी विचारधारा नहाने के ऊपर ही, मंत्रों में गंगा जी, में जी अब वो शक्ति नहीं है जो पहले प्राप्त हो जाती थी। जी अब वो विश्वास भी नहीं है, विधान का नहाने का तरीका भी नहीं है। जी नाना प्रकार की गंदगी करते हैं, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि गंगा में जी साबुन तेल न लगावे, कपड़ा न धोवे। जी यहाँ तक बताया है कि स्नान करने के बाद गंगा में थोड़ी सी डुबकी लगा के निकल आवे, फिर और काम बाहर करे। जी तो ऐसा विधान अब नहीं बन पा रहा, श्रद्धा विश्वास भी ऐसा नहीं बन पा रहा। जी वैसे ही धर्म ग्रंथ, नाना प्रकार के मंत्र जी अब पहले जैसा हमें फल नहीं दे पा रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं सरकार को भी, सरकार ने पहले कहा था जब मोदी सरकार आई कि हम गंगा को पवित्र करेंगे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद गंगा पवित्र कितनी आपको नजर आ रही है, उस पर भी बताएंगे थोड़ा सा? प्रयास बहुत कर रहे हैं, काफी कर्मचारी बढ़ा दिए हैं। जी
लेकिन सफाई का तरीका कोई स्थित नहीं है। जी जितना करवाते हैं सफाई उतनी 24 घंटे में हो जाती है। पूर्णमासी के दिन तो हम देखते रहते हैं कोई सफाई का द्वारा ही नहीं बन पाता। जी 24 घंटे में इतनी गंदगी कर जाते हैं, वो 4-6 दिन में बड़ी मुश्किल से सफाई होती है। जी दुनिया का ढंग नहाने का कुछ बेढंग पना है। जी सफाई का बहुत प्रयास करते हैं पर सफाई स्वच्छ आ नहीं पाती, हो नहीं पाती। जी जी महाराज जी बिल्कुल, जो लोग गंदगी फैलाते हैं, जो लोग वहाँ गंदगी फैलाते हैं, सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों के मानसिक जो गंदगी उनके दिमाग में भी कुछ भरी हुई है, क्योंकि जब वो गंगा को पवित्र मानते हैं और पवित्रता के आधार पर गंगा में स्नान करने जाते हैं, फिर भी वो वहाँ अपवित्रता फैलाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वो आश्री संपदा के कहे जाएंगे। जी और धर्म ग्रंथों में जो नरकों का वर्णन किया है, दुखों का वर्णन किया है, जी उसका फल भी उनको मिलेगा, ऐसा संकेत है धर्म ग्रंथों का। जी पुनरप जनरम पुनरप मरम, सूकर कूकर पशुओं को जल्दी मरते हैं, जल्दी जन्मते हैं। जी उनकी कोई साधना सफाई नहीं होती है। जी तो ऐसी योनियों में जन्म होने का संकेत है। जी महाराज जी, ये हमने जो देखा है सीखा है वो बताए, पब्लिक को खूब बताते रहते हैं, फिर भी उनका कुछ ऐसा ही है 84 में आवागमन का चक्कर कि वो इसको जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते, तो उनका आवागमन का ही बताया है। जी स्वामी जी, स्वामी जी मैं अगला सवाल जानना चाहूंगा आपसे कि आप जैसे अपने नाम के सामने, नाम के आगे स्वामी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्वामी शब्द का इस्तेमाल संतों के लिए किया जाता है, क्या ग्रस्त भी इस नाम को, स्वामी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, और कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? स्वामी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो थोड़ा सा भिक्षा। जी 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 धन्यवाद। संयमी भगवान के अटूट भक्त के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी कपड़ों से तो नहीं है, गृहस्थ हो या साधु हो, जी लेकिन किसी प्रकार की वासना नहीं है, कोई राग द्वेष त्रुटियां नहीं है, उसका जीवन बचपन से पवित्र रहा है, पब्लिक की नजर में जी अंदर से बाहर से पवित्र है, जी अच्छा संयमी है, दिन रात भगवान में ही जिसकी लगन है, परमात्मा के अलावा कुछ समझता ही नहीं है, सब जड़ चेतन को भगवान मैं समझता है, तो उसके लिए स्वामी शब्द लगाना ठीक है। जी और कपड़ों से उससे कोई बात नहीं, इतना नहीं है या आधार पर संयम नहीं है, तो स्वामी शब्द वैसे कह भले लो पर लगाना ठीक नहीं है, लगाना ठीक नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी आपने जैसे आजकल नाम, जी जी बोलिए बोलिए स्वामी, बोलिए कुछ कह रहे थे आप। हाँ अपने अपने बहुत से नाम अपने अपने सामने डबल लगा लेते नहीं है। जी हाँ तो ऐसे ही अपने मन से लगाना अलग बात रही, यही कहेगा। जी बिल्कुल स्वामी जी, क्यों मनुष्य शरीर को पाना महान, मनुष्य शरीर को पाना महान क्यों माना जाता है? मनुष्य शरीर हाथ से कर्म कर सकता है। जी देवता भी प्रसन्न होते हैं। सब योनियां परतंत्र हैं, भैंस गाय बैल खूंटा पे बांध दो थे ऐसे ही बने रहते हैं। मनुष्य स्वतंत्र है, हाथों से अच्छे काम कर सकता है, पैरों से छाया तीर्थ में जा सकता है, बाड़ी पे संयम करके अपनी बाड़ी को आशीर्वाद देते हैं ना, सत्य बोल के, कोई हिंसा न करे, अहिंसा सत्यम ब्रह्मचर्य परिग्रहम, ज्यादा संग्रह न करे, त्यागी हो, ऐसी वासना होने पर उसका ऐसी जीवनचर्या हो, तो उसके लिए बताया है। जी स्वामी जी आप पहले कथा कहते थे,
तो मैं जानना चाहता हूँ, जी कथा कथा भागवत कहते हैं, कथा और भागवत में कोई अंतर होता है कि कथा भागवत एक ही शब्द है? केवल आत्मा का वर्णन है, भगवान के नाम का विवेचन है, जी उसे कथा कहते हैं। जी संसारी लोगों की बातचीत है, उनको तो इतिहास कहो। जी यही श्री सुखदेव ने परीक्षित को केवल 7 दिन के अंदर जी आत्मा का वर्णन किया था। अंत में यही बताया था कि अहम ब्रह्मास्मि, तू ही ब्रह्म है, जी तो ये कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। जी अजर अमर अविनाशी है, न कभी जन्मा है, न कभी हुआ है, न आद है, न अंत है। जी ऐसा वर्णन, आत्मा ही का वर्णन करे, वो शुद्ध कथा है। हाँ, जी और भागवत भागवत में तो राजा परीक्षित एक राजा था, तो सूर्यवंश चंद्रवंश के बहुत से राजाओं के प्रमाण भी दिए हैं, जी और भूगोल खगोल पहाड़ पर्वत प्रकृति की भी बातें भागवत में आई हैं। जी भागवत में तो बहुत कुछ आया है, तो ये मान लो कि भागवत एक बनी है, झाड़ झंखड़ जी है। जी हाँ, उसमें तो यथार्थ रोचक भयानक कई प्रकार की जी बहुत सा तप पुराण बना है, पौराणिक जी बातें हैं। जी आत्मा का केवल कथा जो है वेदांत का प्रसंग है, जिससे मुक्ति होती है, कल्याण होता है। जी भागवत में ये भी बताया है, मुक्ति भी हुई है, जीवन केवल भजन करो, मुक्ति चाहो तो भजन करो, जी धन चाहो तो दान करो, जी जिंदगी अच्छी चाहो, निरोग अच्छा जीवन, तो जीव की रक्षा करो। जी भागवत में सारी चीजें लेकर के कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की तीनों की चलती हैं। जी केवल आत्मा के वर्णन में केवल ज्ञान कांड का ही वर्णन चढ़ता है, जीव ईश्वर की अद्वैतता का वर्णन चढ़ता है, जी जो भ्रकुटी में केवल एक परमात्मा अद्वैत को नजर में ला करके योगी जी जन उसका ध्यान करते हैं, वो है भगवान की कथा। ऐसे ही परीक्षित के मन को सुखदेव ने कथा सुना के ब्रह्म में जोड़ा था। जी महाराज जी, हाँ, आप इस समय लॉकडाउन में कहाँ रुके हुए हैं? आप इस समय आश्रम पे हैं अपने, कहाँ हैं? इस समय हम जिला फिरोजाबाद में रानीपुरा भन्नी गांव है। जी हमारे भक्त 40 साल के पुराने हैं, यहाँ कथा भी बहुत कहते रहे, यहाँ पर 1.5 महीने से रुके हैं, जी यानी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं आप। फंसे हुए हैं, यहाँ पर रुके हैं। एकांत में सब लोग बैठ जाते हैं, रामायण के माध्यम से कथा प्रवचन सुनते हैं जी और यही समय काट रहे हैं। जी स्वामी जी, जैसे कि लॉकडाउन का भी जिक्र जिक्र आया, लॉकडाउन में जहाँ हैं जो व्यक्ति वहाँ फंसे हुए हैं, तो इस समय कोरोना महामारी से लोगों के अंदर दहशत बहुत बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि व्यक्ति के पास समय नहीं होता था भजन करने के लिए, पूजा करने के लिए, और आजकल समय होने के बाद भी व्यक्ति भजन पूजा में समय नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें जो देवी संप्रदाय वाले आदमी हैं वो थोड़े होते हैं, वो ही दे पाते हैं। जी वो आश्रय संप्रदाय वाले हैं, वो विषयी लोग होते हैं, जी उनको न कोरोना का डर है, न किसी बीमारी का डर है, वो तो भोगों के विलासी हैं, जी सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, लेकिन उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं है, तो वो ऊट पटांगी बातों में, टीवी सिनेमा में, ताश में, इसमें अब भी अपना समय खेल कूद में ही काट रहे हैं। जी लेकिन ये उन अनुभव डर होता है देवी संप्रदाय वाले आदमियों बिल्कुल को, उन लोगों के लिए तो क्या वो संदेश, इस डर से संयम बिल्कुल क्या संदेश दे है। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो समय मिला है वो ताश के पत्तों में, ताश के गड्डियों में और अन्य खेल हैं जो उनमें व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? उसके लिए तो यही है कि वो हाथ से पारस मणि डाल के
अमृत डाल के कांच क्रच बटोर रहे हैं, उनकी बुद्धि में इतनी क्षमता है जी, उनका जीवन पुनर्मरणम पुनर्जन्म बार बार दुखों का जन्मना मरना ऐसा ही है, यानी अविद्या ज्ञान को ढके हैं जी। तो अविद्या के कारण वो इसी प्रकार से भूले हैं, उनका तो ऐसा ही होना है जी। महाराज जी, भजन हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, घर में भजन किस प्रकार करना चाहिए, भजन और पूजा में क्या अंतर होता है, भजन कैसे करने चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, भजन और पूजा का थोड़ा सा समझाएं किस तरीके से करना चाहिए व्यक्ति को। यथार्थ में संसार के विषयों में न भाग, मन इंद्रियों को परमात्मा में निरोध करे, ये भजन है जी। नहा धो करके तिलक पूजा श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन संध्या वंदना, ऋषियों की सुबह शाम की जो क्रियाएं चली आई हैं ये पूजा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वामी जी ग्रस्त जीवन में आकर व्यक्ति अपने पथ से भटक जाता है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने भी स्वामी जी गृहस्थ जीवन जिया है जी जी, तो गृहस्थ जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं गृहस्थ जीवन के? गृहस्थ जीवन में जितने भी वानप्रस्थ साधु सन्यासी भिखारी गृहस्थ का ही आश्रय लेकर उसके घर आते हैं जी, तो उनकी सेवा करना गृहस्थ का धर्म है। संध्या वंदनाद करना गृहस्थ का धर्म है जी। पितृ ऋण होता है, पुत्र पैदा करना, यज्ञ करना, ये ऋषियों का कर्ज होता है जी। दशमांश दान बताया है धर्म ग्रंथों में, वो करना चाहिए जी। एक कर्तव्य से ही गृहस्थ आश्रम एक आधार है सब आश्रमों का, सब लोग इसका आश्रय लेते हैं जी। अपने कर्म करता है वो सत्य है, वो कर्म नहीं करता अपने गृहस्थी आश्रम के तो उसका जीवन खाने पीने निठल्ले रहना जी, निराश लौटार देना, कोई शुभ कर्म न करना, उसकी जिंदगी तो फिर शुकर कुकर पशुओं जैसी मान लो जी। महाराज जी, मैंने सुना है कि आप जहाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस क्षेत्र में आप कुछ दिन समय व्यतीत करते हैं, तो वहाँ के जनमानस की दिन जहाँ लोग सुबह 7 बजे 8 बजे जगा करते थे, वहाँ लोग स्वामी जी जब क्षेत्र में नहीं आते थे उस समय लोगों का सोने का टाइम नहीं था, जगने का टाइम नहीं था, और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है ये सब भली भांति प्रकार से लोग नहीं जानते थे, लेकिन आपके आने के बाद दिनचर्या कैसे बदल जाती है, क्या क्या करते हैं आप स्वामी जी, कैसे समझाते हैं लोगों को? जो यथार्थ वक्ता होते हैं जितना करते हैं उतना ही कहते हैं। संयम चर्या प्रभुमय है, उसका रहन सहन हमारा देख कर प्रवृत्ति कर रहे हो, उनका ढंग बदल ही जाता है जी जी जी। कुछ न कहें फिर भी हमारी जीवनचर्या देख के आपस में प्रशंसा करने लगते हैं, और वैसे बनने की भी उनके मन में आती है जी। ये स्वाभाविक परमात्मा की कृपा है हमारे रूप में उन पर जी जी जी। यहाँ जहाँ हमारा भोग भाग है, उनकी रोटी खाते हैं, उनकी दक्षिणा लेते हैं, तो हम अपनी मजूरी भी यही समझते हैं कि तुम अब गुड़ छोड़ करके हमारी बाड़ी का प्रसाद ले लो, यही हमारी मजूरी है जी। इसलिए भागवत पीरियड में अब सबसे बुरा काम है मांगना जी, मांगे ना भगवान कोई मांगे जी, ऐसी धारणा देख के लोगों पे और हमारा ज्यादा असर है जी। हाँ बिल्कुल महाराज जी, आप कोई समय हमारा पूरा हो चुका है, आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को, अपने इस देश को, देश के लिए कोई संदेश आप अपनी तरफ से प्रवचन करना चाहेंगे, समय दे सकते हैं।
संत तो यही चाहते हैं, सर्वे भवंत सुखना, सर्वे संत निरामया, जी सर्वे भद्राण पश्यंतु, मां कश्यप दुख भाग भवे। जी सब जगह हमारे देश महान बने, सब जगह भक्तों का कल्याण हो, जी सब जगह खुशियां छाई रहे, जी सुबह शाम की संदना बंदना, ऋषियों की जो दिनचर्या थी, खान पान की वो रहे, जी देश सुखी रहे, जी धर्म ग्रंथों का सब अध्ययन करते रहें, जी घर में गौ की सेवा पवित्र बताइए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, जी गुरु ने जो मंत्र दिया है, जब तक सांस रहे जीवन भर, जी उस मंत्र का जप करे, जी अपने कल्याण के लिए कुछ मांगे नहीं भगवान से बार बार, जी आराधना पूजना में अपना जीवन यापन करे, जी ईमानदारी का जीवन जिए, जैसा शास्त्र का संकेत है वैसा जिए, जी इस प्रकार का संकेत है। महाराज जी, समय तो हो ही रहा है, परंतु मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने गुरु का जिक्र किया बीच में, तो गुरु, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं उनके गुरु नहीं हैं, क्या उन्हें गुरु बनाने चाहिए? गुरु की क्या महत्व महानता है, गुरु के बारे में थोड़ा सा बताएं, गुरु क्यों बनाने चाहिए, कब बनाने चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिए महाराज जी। जी जी, गुरबिन घोर अंधार, जैसे मुकदमा में वकील की जरूरत होती है, जी वैसे ही जीव ईश्वर के बीच में ये जन्म का एक मुकदमा सा है, जी जीवन में गुरु की जरूरत है, गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, जी अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर संकेत करे, जी उसे गुरु कहते हैं, जी गुरु बिन भवन निदित रह न कोई, शह विरंच शंकर सम होई, पहले के प्राचीन प्रमाणों में धर्म ग्रंथों में भी गुरु की महिमा चलती आई है, राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए हैं, गुरु बिन हृदय में अंधेरा रहता है, जी मेरी देह है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा जिला है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री है, जी ये सारी अविद्या हैं, वो गुरु बताता है कि ये तेरे नहीं हैं, जी वो परमात्मा की ओर कहता है, पहले जन्म में भी ये तो तेरे हुए और जन्म के बाद में भी ऐसे तेरे बहुत होंगे, तेरे थे फिर रहे क्यों नहीं, जी ऐसा अनुभव हम भी करते रहते हैं कि ये हमारे होते तो हमारे रहते, जी ऐसा मृत्यु का ध्यान करे, मरगट का ध्यान करे, जी मृत्यु के टाइम पे वैराग अधिक होता है, जी तो ये सारी बातें सतगुरु से मिलती हैं, वैसे तो पंडा पुजारी कुलगुरु छह गुरु माता पिता सभी होते हैं, जी पर जो हमें सतगुरु प्राप्त हुए थे, जिन्होंने हमें आत्मज्ञान का वर्णन कराया था, जी इन सब से मुड़ करके परमात्मा की ओर को हमारा झुकाव किया था, जी ये सतगुरु देव की देन है। जी महाराज जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि मुकदमा में वकील की जरूरत होती है, ऐसे मनुष्य के जीवन में परमात्मा से जोड़ने के लिए गुरु की जरूरत होती है। स्वामी जी, मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी मुकदमा हार जाते हैं एक कमजोर वकील के कारण, कमजोर वकील, कम कम पैसे वाला वकील किया और मुकदमा हार जाते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि कमजोर गुरु मिल जाए तो परमपिता से, परमात्मा से भी जो मुकदमा चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है? कमजोर गुरु का भी कारण बन जाता है, फिर उसके कुछ संस्कारों का भी कारण बन जाता है। जी वैसे आप सही पूछ रहे हो कि गुरु तत्वदर्शी हो गए, जी तब तत्व का ज्ञान करा पाएगा शिष्य को, जी तत्वदर्शी नहीं है, हस्तरेखा ज्योतिष का, संसार के बहुत सी विद्या उनका ज्ञान कराता रहेगा तो वो बात नहीं मिल पाएगी। अच्छी जीत तो तभी होगी जब तत्वदर्शी हो, तत्व का ही वर्णन करे और तत्व की बात शिष्य समझ ले। कुछ तत्व की बात गुरु करने पर भी शिष्य नहीं समझ पाते, जी तो वो तो मुकदमा कैसी हार हो जाएगी।
बिल्कुल। अच्छा मैं महाराज जी जाना क्या गुरु की चाहूंगा कमजोरी है, तत्व जी ज्ञान का वर्णन करने में गुरु की कमजोरी है तो हार हो सकती है, जी हार हो जीत भी सकती होती है है इसी के जी, आधार पर। लेकिन बड़े जांच पड़ताल के बाद गुरु बनाना चाहिए, आपका ऐसा मानना है क्या? जी, जी जल्दी न करे, महाराज जी, एक विनय, देखभाल के बना। बिल्कुल, विनय कुमार शास्त्री जी जानना चाहते हैं कि आपके पुत्र भी कथा कहते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे थोड़ा सा? उन पे भी हमारे संस्कारों की, जीवनचर्या की, जी वो घर में जो करते रहे थे, गुरुदेव आए थे, उसके बाद इनके जन्म हुए हैं, तब इन्हें हमारी जीवनचर्या, रहन सहन, गृहस्थी के ढंग इनके जन्म हुए हैं, तब से इन्होंने हमारे देखे हैं। तो जी अभी 2003 में आके बड़ा पुत्र जो मुकेश है वो जी कथा पढ़ने लगा है। कृपा जी ऐसी हुई है हमारी तरह, ये हमारे सदगुरुदेव पिंड वाले महाराज की देन समझो, जी और हमारी जीवनचर्या का असर गर्भकाल से ये सारा यही समझ लो। जी इसलिए वहां की चर्चा जो तुम सुनते होगे वो पवित्र है, जी और ऐसा ही है, जीवनचर्या का असर पड़ता है, जी गर्भ से पड़ता है, ये धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, नहीं बिल्कुल स्वामी तो हमें जी, ऐसा का ऐसा ही प्रत्यक्ष। जी 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 स्वामी जी, आपने कहा कि जीवनचर्या हाँ का असर गर्भ से ही पड़ता है, तो क्या कहना हाँ चाहेंगे जो गर्भवती माताएं होती हैं, बहनाएं होती हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए? अगर जिक्र आ ही गया है तो मैं पूछ लिया है आपसे, बताइए महाराज जी। अवश्य जरूर, बहुत धन्यवाद। जी गर्भवती माताओं को जी 5 महीने से 9 महीने तक तो बहुत ही पवित्र जी भोजन करना चाहिए, जी स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए, धर्म जी ग्रंथों की बात सुननी चाहिए। इसमें प्रहलाद और अभिमन्यु का भी उदाहरण है कि ये गर्भ से ही, अष्टावक्र गर्भ से ही इनमें लक्षण आए थे। माता का चित्त भगवान में रहना चाहिए, ना कि सिद्ध में रहने आना चाहिए, ऊट पटांगी माता न होनी चाहिए, भगवान की भक्त होनी चाहिए। गर्भ से ही आराधना उपासना का, माता का सर्वप्रथम असर बच्चे पर पड़ता है, जी, लेकिन महाराज वहीं से जी, संस्कार। जी परंतु महाराज जी, अभी की जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं होती हैं, वो सास बहू का नाटक देख के अपना समय व्यतीत करती हैं, टीवी सीरियल देख के अपना समय व्यतीत करती हैं, तो उनके ऊपर जो प्रकाश कहाँ से अच्छा आ पाएगा, थोड़ा सा उस पर और बताएं महाराज जी, क्योंकि जो सीरियल हाँ वहाँ जी घोर, जी घोर अंधकार है उनके मन में, जी अविद्या का पर्दा पड़ गया है अंतःकरण पर, तो जी इन सब बातों से वो अनभिज्ञ रहती हैं। जी घरेलू बातें, कपड़ा लत्ता, खान पान, हंसी मजाक, जी विलासी जीवन, इन बातों को वो समझ नहीं पाती हैं, सत्संग हम लोगों से वंचित रहती हैं, तो उनका मामला फिर ऐसा ही बन जाता है, जी वो फिर आसुरी स्वभाव के ही बच्चों को जन्म देती रहती हैं। जी यही बच्चे फिर शास्त्र से विरुद्ध, उनकी जीवनचर्या ऐसी बन जाती है जो जी नाना प्रकार की जो त्रुटियां जी अवगुण हैं वो ही फिर शुरू हो जाते हैं, जी महाराज ऐसा जी, हो। जी महाराज जी, आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमारा समय भी समाप्त हो चला है, समय होता है हमारा 30 मिनट, लेकिन महाराज जी आपकी बातों में हमें पता ही नहीं चला, आपके प्रवचनों से जो भगवान रूपी शब्द निकल रहे थे हमें तो पता ही नहीं चल पाया कितना समय हो गया। आशीर्वाद महाराज जी हमें आज्ञा दीजिए, हम विदा लेते हैं, और तब तक मैं अपने सभी दर्शकों से बोलना चाहूँगा, ऐसे ही हम महान संतों को लेकर आते रहेंगे आधार टीवी चैनल पर। आप अगर आधार टीवी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आते ही रहते हैं। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम विदा लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम। जी जी आपको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, याद किए आपने हमको। धन्य है आपके लिए। ठीक है।